जनपद संभल के चंदौसी के मोहल्ला कैथल गेट चंदौसी में आर्य जाटा धर्मशाला में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी का स्वागत समारोह रखा गया, जिसकी अध्यक्षता हरिओम सिंह और संचालन राजेश भारती ने किया। वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने सर्वप्रथम संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सतीश प्रेमी का फूल मालाओं के साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सतीश प्रेमी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जबरदस्त स्वागत किया गया। सतीश प्रेमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलित समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए 2022 के प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करते हुए दलितों और पिछड़ों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। आम नागरिक अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी, रोजमर्रा की आवश्यकता तथा शिक्षा मुहैया कराने में भी असमर्थ हैं। प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की सरकार द्वारा चलाई गई योजना कन्या विद्याधन, छात्रों को लैपटॉप, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन आदि जनहितकारी योजनाओं को याद कर रही है, जो वर्तमान भाजपा की सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं। 2022 में सपा की सरकार आने पर 10 लाख नौजवानों को रोजगार, 300 यूनिट बिजली प्रत्येक घर फ्री, 1500 रुपये समाजवादी महिला पेंशन, किसानों की फसल का उचित मूल्य, शिक्षा मित्रों का समायोजन आदि योजनाओं को लागू किया जाएगा। बैठक का आपने आयोजन किया है, आपने हिस्सा लिया है, मुख्य अतिथि के रूप में क्या कहना चाहिए? आज कैथल गेट में दलित समाज द्वारा जो मेरा स्वागत किया गया है, मैं आज इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि जीवन में पहली बार मैंने इस रूप में राज रूप से अपने समाज के बीच आया हूँ। चुनाव पहले भी लड़े हैं, लेकिन आज देश की और प्रदेश की परिस्थितियाँ कुछ और हैं, क्योंकि हम लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानने वाले लोग हैं। दलित समाज बहुत कमजोर और आर्थिक रूप से भी बहुत समय रूप से राज रूप से पिछड़ा रहा है यहाँ पर, और पिछड़ेपन का कारण ये है कि हमारे आरक्षण से लोग जीत के जाते हैं और अम्बेडकर मिशन और संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए आज जो लोगों ने मेरा स्वागत किया है, इस उम्मीद के साथ कि मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप खरा उतरूंगा और अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाते हुए जनमानस के लिए और चंदौसी के हित के लिए काम करूंगा, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम करूंगा। अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगा, वरना मैंने लोगों से अपील की कि लोग इस भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकने के लिए, दलित समाज को इकट्ठा होकर के अम्बेडकर मिशन को बचाने के लिए और उससे भी पहले इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकना जरूरी है। और आने वाले 2022 में लोगों से अपील की है मैंने आज भी स्वागत समारोह में कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकें, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अम्बेडकर मिशन को बचाने के लिए ये जरूरी है, वरना आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और नौकरियां भी खत्म हो जाएगी, गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जैसा कि आज माहौल है।